नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश से लेकर विदेश तक उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के तहत ब्रिटेन में हैं। उन्होंने लंदन में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। उसी दौरान सात समुद्र पार से भोपाल में आईटी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कार्य कर रहे ब्रिटिश नागरिक और एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट ग्रुप के फाउंडर एनआरआई आबिद फारूकी ने सीएम से भेंट कर निवेश को लेकर अपना प्रस्ताव रखा। इस दौरान फारूकी ने भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की मांग को लेकर भी सीएम से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भोपाल से सीधे दुबई, शारजहा, हांगकांग के साथ कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी की फ्लाइट शुरू करने की मांग की गई। सीएम से मुलाकात के दौरान फारूकी ने भोपाल में आईटी कंपनी स्टार्टअप शुरू करने को लेकर अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने सीएम को बताया कि आईटी सेक्टर में रोजगार, स्किल एंड एडवांस डेवलपमेंट ट्रेनिंग के साथ फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कैंपस प्लेसमेंट मुहैया कराए जाएंगे। इस मौके पर उनकी पत्नी साइमा और बेटी अदीना ने मुख्यमंत्री को लंदन ब्रिज का चित्र भेंट किया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।